अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 24 एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस पर और अपने चैनल्स की वीडियो पर किस तरह अच्छे व्यूज़ और किस तरह अच्छे सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल पर अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को साइड पर कर देते हैं, क्योंकि आपके अच्छे व्यूज़ होंगे तो तभी आप अच्छा वॉच टाइम और अच्छे सब्सक्राइबर हासिल कर लेंगे। अगर लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर्स भी नहीं आएंगे और ना ही अच्छा वॉच टाइम होगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे व्यूज़ हासिल कर सकेंगे और अच्छा आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल ग्रो करने के लिए मैं आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स बताता हूं और मुख्तलिफ तरीके भी बताता हूं जो कि आप इसे अच्छा वॉच टाइम हासिल कर सकेंगे और अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइबर्स बना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरह आप ये काम करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया। तो दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे वीडियो मैनेजर पर, क्लिक करेंगे। वीडियो मैनेजर के बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो ये अभी बफरिंग कर रहा है, अभी खोल रहा है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियोज़ में से, यानी कि मैं इस पर अभी इसकी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। तो दोस्तों ये है, सबसे पहले ये पड़ा है बेसिक इन्फो। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने अच्छा सा टाइटल देना है, उसके बाद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैंने तो ये ऐसे ही थोड़ी लिखी हुई है, तो आप अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और इसके बाद इसके टैग्स देने हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो टैग्स और डिस्क्रिप्शन को छोड़कर सिर्फ कम ही टाइटल देते हैं और अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं होता। तो दोस्तों ये इस तरह आपने करना है कि टैग्स भी देने हैं, डिस्क्रिप्शन भी देनी है, और इसके अलावा आपने टाइटल भी देना है। और इसके बाद ये पड़ा है ट्रांसलेशंस, यहाँ पर इतनी अहम सेटिंग नहीं है, इधर एडवांस्ड में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कैटेगरी, ये इधर दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैटेगरी सबसे अहम चीज़ है, कैटेगरी। तो आपने कौन सी वीडियो बनाई है इनमें से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दी है। तो वीडियो की लैंग्वेज आपने ये बतानी है इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर उर्दू कर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग डेट, इससे आपका कॉपीराइट नहीं आएगा, इससे आप अच्छी तरह वीडियो बना सकेंगे। यानी कि रिकॉर्डिंग डेट क्या है, तो आज की डेट मैं लिख देता हूँ, या इधर से टुडे दबा देते हैं, ये टुडे आ गया। तो इसके बाद दोस्तों ये सेटिंग्स हो गई। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये एंड स्क्रीन, जिससे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं। और सबसे अहम ये है बेसिक इन्फो, और ये कैटेगरी ये भी सिलेक्ट ज़रूर करनी है, इससे अच्छे व्यूज़ आएंगे आपके और अच्छा वॉच टाइम, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर एंड स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पर हम लीव करेंगे। और इसके बाद ये देखें दोस्तों, एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस। तो दोस्तों इधर हम ये पड़ा है यूज़ टम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये बता रहा है, यानी कि एक सेलेक्ट करना, ये मुख्तलिफ ये पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा करके। ये हम ऐसे चलते जाएंगे, ये देखें जितनी वीडियोस लगानी है। तो मेरी ये यहाँ पर आप जितनी भी वीडियो ये सामने पड़े हैं, तो मैं इधर से ये एक ही लगा लेता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर दबाऊँगा, तो अभी ये वर्किंग कर रहा है, ये सेलेक्ट कर लिया इसने। इसके बाद हम ये कह रहा है, यहाँ पर मैं दबाऊँगा ये पेंसिल के निशान पर, और अभी ये कह रहा है कि दो मिनट, ये नहीं यहाँ पड़ा है ये नीचे वाला। तो इधर से मैंने प्लेलिस्ट से वीडियो ढूंढनी है कौन सी मैंने इसके साथ लगानी है। तो इसके रिलेटेड जो भी मेरे पास वीडियो होगी, तो मैं अपनी एंटरटेनमेंट की वीडियो डाल दूंगा। दोस्तों मैं ये वाली वीडियो डाल देता हूँ, सेव यहाँ पर कर देता हूँ, वर्किंग कर रहा है। और दोस्तों ये लग गया एंड स्क्रीन। दोस्तों इससे आपके अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। तो मैंने तो ये एक ही लगा दिया है,
ये एक ही एंड स्क्रीन लगा है, आप चार भी लगा सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो ये मैंने एक ही अच्छा समझा है, तो इससे भी दोस्तों आपके अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, इससे आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अच्छे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।